हे एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डीवीआई पोर्ट के टाइप्स के बारे में। किसके कितने टाइप्स होते हैं, ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। तो डीवीआई की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ये एक वीडियो सिग्नल होते हैं, यानी अगर आप DVI का यूज कर रहे हैं तो ये एक इंटरफेस होता है जिसकी मदद से हम वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, वीडियो सिग्नल को भेजते हैं। जैसे हम VGA का यूज करते हैं या फिर HDMI का भी यूज करते हैं वीडियो सिग्नल्स को भेजने के लिए, वैसे ही DVI का यूज भी हम सिर्फ वीडियो सिग्नल को भेजने के लिए करते हैं। इसमें हम ऑडियो सिग्नल को नहीं भेजते, ये सिर्फ वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए होता है आपके मॉनिटर में। तो DVI तीन टाइप की होती है, DVI-A, DVI-D और DVI-I। DVI-A की बात करें तो अब इसे काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी पुराना स्टाइल है DVI का और इसका पूरा नाम है DVI एनालॉग। A का मतलब है एनालॉग, यानी सिर्फ ये एनालॉग वीडियो सिग्नल को ही ट्रांसमिट कर सकता था, ये डिजिटल को नहीं करता था, सिर्फ एनालॉग को ही ट्रांसमिट करता था। और जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो ये दे सकता है 1920x1080, यानी HD तक ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन दे सकता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके यहाँ एक बार होता है और उसके ऊपर नीचे दो दो पिन होती है और इसके पास एक्स्ट्रा 12 पिन्स होती हैं। तो ये होता है DVI-A। इसके बाद बात करते हैं DVI-D के बारे में। इसका पूरा नाम है DVI डिजिटल। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन एक DVI पोर्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं DVI डिजिटल को। इसका काम भी होता है वीडियो सिग्नल्स को पहुँचाना, पर वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल नहीं होते। और हम DVI-D को DVI-A के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो DVI-D है वो डिजिटल सिग्नल्स को रीड करती है और ए वाला एनालॉग सिग्नल को। तो फॉर्मेट के अलग होने से हम इन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते, यानी आप DVI-D को DVI-A से कनेक्ट नहीं कर सकते। DVI-D के दो स्टाइल होते हैं, एक सिंगल लिंक और एक ड्यूअल लिंक। जो सिंगल लिंक होता है उसके पास ये बार होता है पर उसके साइड में दो ब्लॉक्स होते हैं और हर एक ब्लॉक में 9 पिन होती है, यानी इस ब्लॉक में भी 9 पिन और इस ब्लॉक में भी 9 पिन। और ये जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो दे सकता है वो दे सकता है 1920x1080, यानी फुल HD तक का मैक्सिमम रेजोल्यूशन ही दे सकता है। और जो ड्यूअल लिंक होता है उसके पास भी एक बार होता है पर इसके अलावा इसमें 3 रो होती है और हर एक रो में 8 पिन होती है, पहली रो में भी 8, दूसरी में भी और तीसरी में भी। और ये जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन दे सकता है वो है 2048x1536 का मैक्सिमम रेजोल्यूशन ये दे सकता है। ये काफी ज्यादा कॉमन पोर्ट है। और जो सिंगल लिंक है वो सिर्फ एक ही सिग्नल को एक बार दे सकता है मॉनिटर से, और जो ड्यूअल है वो 2 सिग्नल्स को एक बार दे सकता है। इसीलिए जो ड्यूअल है वो काफी मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है अगर कंपेयर करें सिंगल लिंक से। अब बात करते हैं DVI-I की। ये जो पोर्ट है DVI-I, ये दोनों सिग्नल ट्रांसफर करता है, दोनों वीडियो सिग्नल ट्रांसफर करता है, एनालॉग भी और डिजिटल भी। अब ये दोनों सिग्नल ट्रांसफर करता है तो आप इसे उन दोनों में भी लगा सकते हैं, यानी आप इसे DVI-A में भी यूज कर सकते हैं या फिर इसका आप DVI-D के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ए वाले को एनालॉग चाहिए वो ये कर सकता है और डी वाले को डिजिटल चाहिए वो भी ये कर सकता है, यानी आप इसे उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ इसके भी 2 स्टाइल होते हैं, एक सिंगल और एक ड्यूअल। सिंगल वाले में बार होता है और उसके ऊपर नीचे 2-2 पिन होती है, इसके पास भी 2 ब्लॉक होते हैं और हर एक ब्लॉक में 9 पिन होती है। और ये जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है वो है 1600x1200 का। इसी के साथ साथ जो ड्यूअल है उसमें भी एक यहाँ बार होता है और उसके ऊपर नीचे 2-2 पिन होती है, पर इसके पास 3 रो होती है और हर एक रो में इसके पास भी 8 पिन्स होती है। और जो ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है वो है 2048x1536 का मैक्सिमम रेजोल्यूशन ये सपोर्ट कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो DVI केबल्स के बारे में, कि कितनी DVI केबल होती है, DVI होता क्या है, कितने पोर्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। काफी लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आजकल जो नए ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं उनमें VGA का पोर्ट नहीं होता, उनमें DVI का होता है, HDMI का होता है, ये पोर्ट्स होते हैं। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये DVI का पोर्ट क्या है, इसमें VGA का नहीं है, मैं कौन सी केबल लूं, मैं कौन सी केबल से इसे अपने मॉनिटर से कनेक्ट करूं, उन सभी चीजों के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।